कोविड-19 की आपदा को बनाया अवसर बेहद फुर्तीला होता है। तेंदुआ सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और छांव फाउंडेशन के द्वारा फतेहाबाद रोड स्थित सिरोस हैंग आउट कैफ पर दिनांक 11 मार्च दिन सोमवार 2024 को संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोटर स्पोर्ट क्षेत्र में नाम कमाने वाले श्रीहर विजय सिंह बाहिया को आमंत्रित कर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और उनके नए अभियान तेंदुए का अध्ययन और अनुभव पर पुस्तक लिखने आदि के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री वाहिया ने बताया कि चालाक और फुर्तीले तेंदुए के स्वच्छ आचरण का अध्ययन और फोटोग्राफी सहज नहीं है। कई साल के लगातार अध्ययन क्रम के बाद अब वह जान सके कि तेंदुए का वन जीव के रूप में स्वाभाविक आचरण उसकी क्या जरूरतें हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें तेंदुए की प्राकृतिक रूप में मौजूदगी वाले आगरा के निकट बेरा के जंगलों में लगातार घूमना पड़ा, तमाम असुरक्षित स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से ज्यादातर जिंदगी के लिए अपने आप में चुनौती रही। श्री वाहिया का कहना है कि तेंदुए के इस अध्ययन अभियान में केवल कैमरे के साथ कई कई दिन तक सड़क विहीन उस जंगल में खूब भटके उनके लिए हर पल आत्मबल बढ़ाने और प्रकृति की महिमा का एहसास वाला था। तेंदुआ एक निहायत फुर्तीला और अपनी असुरक्षा को भांप तत्काल पैतृक बदलने वाला रहने वाला वन्य जीव है, इसलिए उसे कैमरे में कैद करना कभी आसान नहीं रहा। समाज शून्यता को समाप्त करने वाला आयोजन है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन की आगरा को बेहतर बनाने के अभियान में अहम भूमिका हो सकती है और इसके लिए संवाद का आयोजन निश्चित रूप में महत्वपूर्ण अवसर होता है। आज के संवाद में विनोद दत्ता, महेश शर्मा, सुधीर नारायण, असलम सलीमी, राम मोहन कपूर, डॉक्टर मधु भारद्वाज, देविका बाहिया आदि उपस्थित रहे। अनिल शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया और आशीष शुक्ल ने धन्यवाद दिया। इतने मेस्पराइज हो गए कि आप समझिए, मेरे को तो लगा ये मेरा बेड़ा आ गया, मेरा बेड़ा पार हो गया यहाँ आने के बाद। ऐसी तरीन है वो, अब विश्वास मानिए आप खो जाएंगे वहां जाके। लेपर्ड तो बहुत बड़ी बात है, आप सिर्फ तरीन देख के वहां। हमने 2-3-4 रातें बिताई, एक अच्छा सा हमने रिजॉर्ट टाइप किया, बहुत अंदर जंगल के जाके था, जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम था, पहुंच गए। वहां से फिर हमने ट्रैवल करा, 2-3 हमारी साइट भी बड़ी मुश्किल से, वो दूर पे जैसे दिखा देते थे ना कि आपको, जैसे ऊपर बैठा हुआ, जब आप पहली ट्रिप पे जाते हो तो आप वहाँ के ट्रैकर्स को समझ नहीं पाते हो। आगरा के जो पॉइंट हमारे स्टेशन पे खड़े होते हैं, वैसे हमें दिखाया जाता है बाद में वहाँ पर जाने। तो हम वहाँ से लौट के आ गए, फिर हम वहाँ से हिमसर गए। हिमसर हम एक क्लास रुके, वो बड़ा फोटोजेनिक था, हम वहाँ की तरफ, फिर हम ताल छप्पड़े था, ब्लैक बक सेंचुरी, विच इज एक्सट्रीम क्लाइमिंग। तो इन्होंने इनके साथ रह के सीखा कि कैसे मजबूत बनना है। एंड कैन यू बिलीव द नेक्स्ट डे व्हेन कमिंग डाउन लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, वी वर नॉट अवेयर कि कोविड आ गया, वी वर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो दैट्स हाउ इट बिल्ड अप। और फिर धीरे धीरे लगा करेंगे तुम लोग चलोगे मेरे साथ, तो हमने फिर 2-3-4 ट्रिप अपने साथ करी। एंड द वे ही बिल्ट अप हिमसेल्फ, आई हैव नोथिंग टू से, ये आदमी कैसे इतने भारी लेंस उठा के फोटोग्राफी करते हैं। हिज हैंड इज सो स्टेबल, हम जब तक सोचते हैं अच्छा वहां दिखा होगा, वहां दिखा होगा, तब तक ये फोटो खींच के कहते हैं सी आ रहे, वो भी दिखाने का टाइम नहीं होता। सो द वे ही हैज बिल्ट अप, आई हैव रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और बेड़ा की जो बात करें, एक एपिसोड में बता देता हूँ कि हम लोग वहां वेट कर रहे थे कि हमको लेपर्ड दिखेगा, वी ऑन द टॉप ऑफ द रॉक, हमारे पास पीछे जाने को कुछ नहीं था। और जो वहां की लेपर्डस है नीलम, उसका कब कई, और हम टॉप ऑफ द प्लेटो बैठे हुए थे, चलो कुछ नहीं तो आज मुंह ही खींच लेंगे। और आप विश्वास करिए, जिप्सी की लाइट चली, यहां से जितना भाई साहब बैठे हुए हैं इतनी दूर पे नीलम बैठे। मैंने कहा अंकल, कह रहे तू फिक्र ना कर, मैं की हो गया, बाउंस करेगी मेरे होते, तो मैं ना बस फोटो खींच लेनी है, कैमरा तो ही सौंप देना है। कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कैमरा टूट जाएगा, मतलब कैमरे की बात कर रहा, फोटो आनी चाहिए बस, बाकी देख लेंगे। तो ऐसे करके वो ट्रिप्स हुई। एंड आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि उसके बाद मैं अभी लास्ट ट्रिप में गया, मैं बता देता हूँ पेशेंस कैसे काम करता है। दिस ट्रिप व्हेन दिस नीलम गेव अस दिस एपिसोड, सीरियसली अभी आपने जो पिक्चर देखी थी वो कब और लेपर्डस वाली शायद आई थी, जो उसकी आंख बंद कर रही थी। वी वर सो लकी दैट ऑन द इवनिंग वी रीच, दैट्स व्हाट ही सेड कि एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, इट्स सो काउंटेड। हमने जैसे ही पहुंचे, अगर हम 5 मिनट भी लेट वहां पहुंचते
तो शायद वो रैम वॉक खत्म हो जाती है हमारी। दिस कप आई गिव 3 months एंड नीलम देखिए बस अ वंडरफुल फोटोशूट। कोई इकलौती फोटोज मेरे पास है जो तमीज की होंगी, बाकी तो यही की बात है। ना मेरे पास इक्विपमेंट है, ना मेरे पास वो आई है, ना मेरे पास इतनी समझ है, ना मैं इतनी डिटेल में घुसता हूँ। मैं तो इनकी कंपनी एंजॉय करता था सारे। अब उसका फर्क क्या है, जब अलर्ट नहीं रहते हैं तो क्या होता है। जब मैं अभी लास्ट ट्रिप पे गया सर के साथ नवंबर में, तब मैं थोड़ा सा डिप्रेस समझ लीजिए, ऑक्यूपाइड समझ लीजिए, बट मेरा कमिटमेंट था तो मैं चला गया। उन्होंने मुझसे मारा कि कहा तुमने पहले क्यों नहीं था। अब विश्वास मानो इतने अच्छे शॉट्स मिल सकते थे जो इन्होंने लिए, चाहे वो मीटिंग के शॉर्ट्स हो चाहे वो और शॉर्ट्स हो। मेरे पास 4 शॉट। सो एनग्रॉस होना, अलर्ट होना, उस माहौल में रम जाना, अपने आप को कट कर देना बाकी वर्ल्ड से, तब आप कुछ अचीव कर सकते हो। एंड द वे दिस मैन एट द एज ऑफ 73 वाज रनिंग अराउंड फॉर लास्ट 24 इयर्स नाउ 2020 से विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ही शोड मी टू देख। मैंने इतना बिल्डअप किया क्योंकि मेरे को लेंस उठाना है। मैंने कहा यार ये आदमी सही है, तो अपनी वाइफ से दूर रखो, क्योंकि मेरी वाइफ को एक ही प्रॉब्लम है, बंदे तो एक्सरसाइज नहीं करता। मतलब इनको बिल्कुल घर नहीं आने देना, उमिला को इनके घर नहीं आने देना। तो ही इज अ यूनिवर्सिटी फॉर मी एंड ही इज द रियल टाइगर फॉर मी हु इज शूटिंग अलग पर। फोटोग्राफी में डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक, हमने बहुत सीखा इनसे, इतना ज्यादा सीखा कि धीरे धीरे मोबाइल ऑफ करके जाते हैं। पेशेंस सीखी, अलर्टनेस सीखी, and the eye he has, I just note down these things to me like it is. और actually रबाड़ीज के लिए तो लेपर्ड घर की मुर्गी दाल बराबर है, और बाकी बिल्कुल चलिए, क्योंकि मेरा तो बहुत मन किया। मैंने गोपाल सर से भी कहा कि मैं तो वहाँ एक होम स्टे खोलना चाहता हूँ। बस अपने लेपर्ड्स के बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर किए, क्या कहना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, आपके क्या प्रेरणा मिलने रही है। प्रेरणा यही है कि हमें इन डेरा में हासिल है कि यहाँ का जो डेरा है उन्होंने आज तक इंसान जो वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इंसान और जानवर एक साथ मिलजुल के रहे। हमें यही सबक मिला है कि जानवर और इंसान वहाँ पर एक साथ मिल के रह सकते हैं, हम इंसान को इंसान के संग ले सकते हैं। I've been there already, sir. I know about the leopards in Mount Abu very much. There's a guy called Kaizad Contractor. Actually. He talks to them. He stays in the jungle. Yes, yes. I know Mowgli Van. I know Mowgli Van. Okay, I'll take your address from him. My brother-in-law stays in Mount Abu. He's got a hotel there. Okay. His name is Babar there. Okay. He's a Parsi guy? No, he's a Punjabi. Punjabi? He's a Punjabi retired merchant navy captain. Acha. So, he's got a... I will natural like shave room in a hotel. Oh, wow. Oh, yes, I know about him. But then I suna hua hai. Main zarur jaunga wapas. My second book is on the way. My brother-in-law. Oh, fantastic. I've seen that guy. He talks to the animals. He calls them. Wow. He stays in the jungle. His name is Kaizad Contractor. I just got his name from my brother-in-law. Oh, great. My wife is a Parsi. Yeah, he's a Parsi. He's a Parsi. I asked him. I got my brother-in-law. भारत के राजस्थान में बसा एक गांव बेड़ा। कहते हैं जिन पर्यटकों ने दुनिया देखी है वही बेड़ा के बारे में बता सकते हैं कि यह कितना अद्भुत और खूबसूरत है। अरावली के सुंदर पर्वतों, नदियों और जंगलों में रहते हैं कई तरह के जानवर। उनमें से लेपर्ड यानी तेंदुआ सबसे खास है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। वाले हर एक इस बात से चौंक जाते हैं कि तेंदुआ एक आम लोगों के बीच रहता है, लेकिन जानवरों द्वारा इंसानों पर अब तक कोई हमला नहीं हुआ है। घूमने फोटोग्राफी के लिए कई प्रोफेशनल्स।
लेकिन आगरा से हर विजय सिंह की कहानी अलग रही। अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, उस दिन हम सुबह 4:45 बजे अपनी जिम से मैं बैठे अंधेरा लगो और मेरा एक रिचुअल है अंधेरा, मैं सुबह सुबह लोगों के बाहर एक ढाबा है जो 3:30 बजे खुलता है, वहाँ अपनी कुल्लड़ की चाय पीते हैं, फिर जंगलों में निकल जाते हैं। उस दिन मैं चाय पीती और जंगलों में निकल गए और मैं था मेरा ट्रैकर है या मेरा जो गाइड है उसका नाम इरफान है। इरफान गाड़ी ली और हम लोग चले गए जंगल में। किताब में जब पब्लिश हो किताब पढ़ लीजिएगा जैसा वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ माय स्टोरी। तो हमें एक पहाड़ के पास सामने पहुंचे और अंधेरा था और धीरे धीरे पीछे से सूर्य उदय होना शुरू हुआ, तो देयर वाज गुड लाइट एंड सडनली एक लेपर्ड सामने आ रहा है। 3 मिनट बाद दूसरा सामने आ गया, उसके 3 मिनट ब्लाइंड उससे पहले मैंने अपने जो कैमरा थे उसको अपग्रेड कर लिया। मैंने सोचा शायद कैमरा अच्छे नहीं, मैंने उसको अपग्रेड किया। मैंने ये भी पढ़ा कि जितना आप रीडिंग करेंगे फोटोग्राफी के बारे में उतनी ही आपकी नॉलेज फोटोग्राफी। तो कोविड के डेज में मेरे बहुत टाइम था, मैंने कोई ऐसी किताब अंडर द सन छोड़ी नहीं जिसको पढ़ा नहीं। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड गेटिंग सम नॉलेज, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन द हाउस। और फिर भी रिमार्क से एलिफेंट, उस एलिफेंट ने मुझे ना कौन सा जो ओलंपिक चैंपियन है बोल्ट भागा से भाग के लकड़ी गाड़ी में स्टार्ट थी, मैं भागा और हमने गाड़ी आई वहां से। वो एलिफेंट पीछे ही लगा था, मैंने गाड़ी बहुत तेज थी, मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम देयर। सो दैट वाज अ वेरी डेंजरस। उसी के बाद 200 बेबून्स बिल्कुल सड़क पे खड़े हो गए। वहाँ के बेबून्स भी जो है वो छोटे मोटे नहीं हैं, ऐसे लगते हैं कि पता नहीं ये क्या खूंखार, वो सारे के सारे मेरी गाड़ी पे चढ़ गए। अब उतरते नहीं हैं और माय वाइफ वाज विद मी। मेरे बाद में इस तरह के बहुत से इंसिडेंसेस हुए। यही नहीं, फिर एक राइनो ने, वो मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं मसाई मारा में वहाँ की जो जीप्स होती है सफारी जीप्स